सिद्धि हम यम नियमों का पालन करेंगे तो हम अहिंसा का पालन करेंगे तो हिंसा से बच जाएंगे, इतना तो रहता ही है ध्यान। ऐसे थोड़ी है कि भाई उसके बारे में उसको ज्ञान ही नहीं रहता है, पर हम उसी को टारगेट ना रखें, हम अपना काम करते जाएं, अहिंसा का पालन करते जाएं, तो बदले में क्या मिलेगा? वो जो भी मिलेगा वो ठीक ही मिलेगा। नहीं तो हमारा आग्रह होता है, वो आग्रह हमें बांधता है। आप जब देखेंगे ना अपने जीवन में भी, तो हम बचपन से भी बच्चों को यही सिखाते हैं और उसके बाद तो बच्चे खुद ही वैसे बन जाते हैं। हम यथा योग्य जैसी हमारी क्षमता है वैसा आप 100% परफॉर्मेंस करना ये बच्चों को नहीं सिखाते हैं। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, तेरे को क्लास में सबसे अव्वल आना है। अब क्लास में अव्वल आना है मतलब मान लो क्लास में सब विद्यार्थियों के नंबर आए 70% और इस विद्यार्थी के आए 80%, लेकिन इस विद्यार्थी की जो वास्तविक क्षमता थी बुद्धि की वो थी 95 लेने की, लेकिन ये लेके आया है 80%, तो क्या इसने अपनी पूरी प्रतिभा का प्रयोग किया? नहीं किया। लेकिन माँ बाप पूछते हैं कि कितने नंबर आए, माँ बाप को पता है इसकी बुद्धि इतनी है, तो कहता है 80%, तो बोले और बाकी सबके कितने आए, बोले और के तो 70 ही आए, बोले हाँ फिर ठीक है, बहुत अच्छा है, मेरा बेटा सबसे अच्छा है। और एक व्यक्ति है कि उसकी बुद्धि की क्षमता थी 70% लेने की और उसने पूरी ताकत लगाई अपनी, जितनी उसमें ताकत थी पूरी ईमानदारी से ताकत लगाई उसने, और उसने ताकत लगा के 75% ले लिया, और जो दूसरे हैं उनके 90-95 इतने आ गए। तो अब ये घर में जब वो कार्ड आता है तो माता पिता पूछते हैं बाकी अव्वल कौन रहा क्लास में, सबसे ज्यादा किसके आए, तो कहता है सबसे ज्यादा थे 95। तो फिर वो उसको कार्ड को फेंक के मारते हैं कि मुझे तो पहले ही पता था तू इतना निकम्मा है, कुछ करता ही नहीं है, मुझे पहले ही पता था कि तेरा कोई नंबर वंबर नहीं आने वाला है। तो ये हमने क्या किया, उस बच्चे के साथ अन्याय किया है, क्योंकि उसने तो पूर्ण पुरुषार्थ किया था ना। तो ये हम पूरे जीवन भर यही सिखाते हैं कि दूसरों के साथ तुलना करना है, भाई ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो मैं ऐसा क्या करूं जो मैं इसकी पोजीशन पे आ जाऊं। तो अब वो इस व्यक्ति को डाउन करने के उपाय सोचता है, अपनी क्षमताएं उनको बढ़ाने का नहीं सोचता है कि भाई मेरी जितनी है उसको मिल रहा है, उसके भाग्य के अनुसार मिल रहा है, मेरे को जो मिलेगा उसमें मुझे पूर्ण पुरुषार्थ करना है। जरूरी थोड़ी है कि एक व्यक्ति की जितनी प्रसिद्धि है उतनी मेरी भी होनी चाहिए, फिर उसके पीछे का भी उसका अकाउंट उसके साथ है, केवल इस जन्म का ही नहीं है ना। आपने सेवा करना शुरू किया 4 साल से, दूसरा व्यक्ति सेवा कर रहा है 30 साल से, फिर आप आज उसकी बराबरी करने लगे तो फिर ये तो अज्ञान होगा ना, फिर उसके पुण्य ज्यादा है, वो 30 साल से लगा है सेवा में। और हो सकता है कि एक व्यक्ति अभी 4 साल से ही लगा है लेकिन पीछे के उसके बहुत बड़े पुण्य हैं, तो उसको 4 साल में वो मिल सकता है जो इसको 30 साल में भी नहीं मिला। तो फिर ये व्यक्ति तुलना करने लगे, उसको तो 4 साल में इतना मिल गया, मुझे तो 30 साल हो गए तब भी नहीं मिला। तो फिर ये जो आसक्तियां हैं ये हमारे दुख का कारण बनती हैं, आग्रह जो होते हैं ना। तो इस आसक्ति का नाश करने के लिए कह रहे हैं कर्म कर, जिसकी 95% लेने की क्षमता है वो 95 ही ले, वो 70% पे संतुष्ट ना हो जाए। तो यदि वो अपने कर्म में लगा रहेगा उसको फल की कोई आसक्ति नहीं है, जितना आएगा आ जाएगा, तो उसके 95 ही आएंगे, फिर 6 भी आ सकते हैं। और यदि आसक्ति ये है कि चाहे बस इनसे अव्वल रहना है मेरे को, तो ये तो एक आग्रह बना लिया ना, तो अब इसका पूरा जितना विकास होना चाहिए था वो भी नहीं होगा। तो हमें दूसरों के साथ तुलना करके, और जब हम फल की एक वो बना लेते हैं कंडीशन, इतना ही मिलना चाहिए मेरे को, मैं भी तो स्नातक हूं, तो जो दूसरे स्नातक को फैसिलिटीज मिली हैं वो मेरे को मिलनी चाहिए, ये हमारे लिए दुखदाई होता है। क्योंकि सबको समान ना माता पिता दे पाते हैं ना ईश्वर दे पाते हैं, इसलिए नहीं दे पाते हैं कि हम सब का कर्मों का
जो बैग है वो सबका अलग अलग है। तो चाहते हुए भी माता पिता सब बच्चों को एक समान नहीं बना पाते हैं। वो तो चाहते ही हैं कि बच्चे सब महान हो, सब समान हो, तो फिर लोग माता पिता को ब्लेम करते हैं, आप इसको ज्यादा देते हो, मेरे को कम देते हो। ईश्वर को भी ब्लेम करते हैं, गुरुजनों को भी ब्लेम करते हैं, समाज को भी करते हैं, पदाधिकारियों को भी करते हैं। तो ये आसक्ति दुखदाई है, इसलिए वो इसको तोड़ना चाह रहे हैं कि तू अपना कर्म किए जा, क्या मिलेगा उधर ध्यान मत दे, तू जो मिलेगा वो बेहतर ही मिलेगा। तेरे जैसे कर्म हैं, तेरे जैसे संस्कार हैं, तो तेरे लिए वो सर्वोत्तम ही होगा, तो इसलिए हटाना चाह रहे हैं। तो इसमें कोई कर्म करने में बाधा नहीं आएगी। आपने कहा ना कि यदि हम ये नहीं सोचेंगे कि जी हमारे इतने मार्क्स आने चाहिए तो हम पढ़ेंगे कैसे, इतने मार्क्स आने चाहिए ऐसे मत सोचो। मेरे अंदर भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है कि अगर मैं पूर्ण पुरुषार्थ करूं तो मेरे को सब कुछ याद हो सकता है, ये सोच के फिर आप करने लग जाओ, उसके बाद जो आएगा वो अच्छा ही आएगा। कम से कम बार बार उस रिजल्ट पे आपका ध्यान जा रहा था, शक्ति एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही थी, उतनी तो बचेगी कम से कम, वो पढ़ाई में लगेगी। जो आपका सेवा में शक्ति लगनी चाहिए थी वो आपने आधी शक्ति उसके परिणाम में सोच सोच करके वहां वेस्ट कर दी, तो सेवा का कार्य अधूरा होगा। आपका जो सेवा का क्षेत्र है आप उसमें सेवा करते जाओ। तो ये जो आसक्तियां होती हैं, हमारे आग्रह होते हैं कि यदि मैं इस काम को कर रहा हूं तो मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए, लोगों में मेरी छवि ऐसी होनी चाहिए, लोगों का रिस्पांस मेरे प्रति ऐसा होना चाहिए, ये आसक्तियां फिर हमारे लिए दुखदाई होती हैं। दूसरे के लिए नहीं होती, हमारे लिए होती हैं, तो इसलिए उसको तोड़ना चाह रहे हैं ये। जी हो गया, आगे चलो, ये कल थोड़ा सा बच गया था, इसको पूरा कर देती हूँ फिर आगे पढ़ाती हूँ। बुद्धि भेद वाला जो बता रहे थे, तो देखो ये जो जिन संत के बारे में मैं बता रही थी, इन्होंने इस प्रकार का कोई ऐसा कोई बहुत सामाजिक बड़ा कोई ऐसा अनुष्ठान ऐसा नहीं इनका कोई आसक्ति थी, लेकिन तो भी ये कर्म के बारे में जो सत्य जाना, जो ये आप्त पुरुष होते हैं इनका कोई प्रयोजन कोई कामना नहीं होती है कि हम ऐसा बताएंगे तो लोग फिर हमारे को याद करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये यथार्थ को भूतों के सामने, प्राणियों के सामने रखने के लिए अपनी बात कहते हैं, उसके बाद इनका कोई आग्रह नहीं होता है कौन पढ़ेंगे इन ग्रंथों को या नहीं पढ़ेंगे, पढ़ करके भी समझेंगे कि नहीं समझेंगे, समझेंगे उनको पुरस्कृत करेंगे, नहीं समझेंगे उनको दंडित करेंगे, कोई आग्रह नहीं होता इनका। इन्होंने जो जाना वो सेवा भाव से इन्होंने समर्पित कर दिया, और कृपा के भाव से, करुणा के भाव से समर्पित कर दिया, जैसे कि ईश्वर हमारे प्रति करुणा का भाव रखते हैं, ऐसे ही ये आप्त पुरुष भी करुणा हृदय में धार करके ये हमारे लिए अपने ज्ञान को प्रेषित करते हैं, आवंटित करते हैं। तो कल इन्होंने लास्ट में एक बात बताई थी कि बंधन का कारण कर्म नहीं है, बंधन का कारण क्या है, आसक्ति। इसलिए कितने भी कर्म करो कोई दिक्कत नहीं है, उनमें आसक्ति मत रखो, और कर्म करना ही है, क्योंकि आपके शरीर की उत्पत्ति भी कर्म से ही हुई है, आपका शरीर चल भी कर्म से ही रहा है, और ये सारी सृष्टि भी कर्म से ही चल रही है। पहले बताया था ना एक श्लोक में, ये सृष्टि ईश्वर ने कैसे रची, सहयज्ञ, यज्ञ सहित, यज्ञ का मतलब ही क्या है, परार्थ, दूसरे की, इदम अग्नये इदन्न मम, इदम सोमाय इदन्नम, इदन्न मम, ये यज्ञ की आत्मा है। तो ये सारी सृष्टि ईश्वर ने किस डिजाइन में रची है, इदन्न मम, सूरज चांद पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये सारे किस किस लिए सेवा कर रहे हैं रात दिन, इदन्न मम के भाव से, उनको कुछ नहीं चाहिए। सूरज क्यों चमक रहा है, आप बोलोगे कि जब उसको कुछ चाहिए नहीं तो चमकता क्यों है, उसको रचा ही ऐसे है ईश्वर ने, तो हम भी उस सृष्टि का ही एक पार्ट हैं। तो हमारे व्यक्तित्व की रचना भी किस किस लिए हुई है, यज्ञ भाव से जीने के लिए, इदन्न मम के भाव से जीने के लिए।
तो उसके लिए ये बार बार प्रेरित कर रहे हैं। तो ये कल तीन बात बता रहे थे कि बुद्धि भेद पैदा करने से फिर उसकी हानि होती है समाज की। तो कर्मों में क्या रखा है, जीव बंध जाता है, कर्म निकृष्ट हैं, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये दूसरों में कर्तव्य कर्म के प्रति अश्रद्धा और अविश्वास विश्वास उत्पन्न हो जाता है। फिर दूसरे कुछ कहते हैं, जहां देखो सब स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई कुछ नहीं करता है। तो ये सब स्वार्थी लोग हैं जो कर्मों में लगे हैं। तो फल की इच्छा के बिना तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ऐसे कहते हैं, तो ये भी बुद्धि भेद पैदा करना है। और फिर तीसरा बताया था, फल की इच्छा रख कर कर्म करने से बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो यदि जन्मों से हमें छुटना है तो कर्म करना छोड़ दो, ऐसे कहते हैं। तो ये कह रहे हैं ये सब बुद्धि भेद करने वाले वाक्य हैं। लोगों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करके तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार स्वयं कर्तव्य कर्म करे और दूसरों से भी वैसे ही करवाए। केवल उपदेश ना दे तत्वज्ञ पुरुष, स्वयं भी वैसा करे। इसलिए भगवान कृष्ण भी बार बार क्या कहते हैं कि यदि मैं ना करूं कोई भी लोग ना करें। इसलिए मैं लोगों को केवल उपदेश नहीं देता हूं कि तुम कर्म में लगो, बल्कि मैं स्वयं भी करता हूं। आचरणों और वचनों के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति से क्रमशः ऊंचा उठाए, जो वर्तमान स्थिति में है वहां से ऊंचा उठाए, ऐसे चाहिए विद्वान पुरुष को। जिन शास्त्र विहित शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं उनकी वह विशेष रूप से पहले प्रशंसा करे कि आपके ज्ञान के अनुसार आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, पर इससे भी अच्छा हो सकता है, ऐसे कहना चाहिए। तो उनके कर्मों में होने वाली त्रुटियों से उन्हें अवगत कराएं, जिससे वे उन त्रुटियों को दूर करके सांगोपांग विधि से कर्म कर सकें। सांगोपांग विधि से मतलब जो योग के 8 अंग हैं और फिर उन अंगों के भी जो प्रत्यंग हैं, जैसे यम एक अंग है, फिर यम के भी 5 अंग हैं, नियम एक अंग है, नियम के भी 5 अंग हैं। तो जो भी कर्म हम करें वो इन सब को ध्यान में, अहिंसा सत्यस्य ब्रह्मचर्य को ध्यान में रखते हुए, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इसको ध्यान में रखते हुए हम सब कर्म करें। इसके साथ ही ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेश दे कि यज्ञ दान पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कर्मों में फल की इच्छा रखना ये उचित नहीं है। क्योंकि हीरे को कंकर पत्थर के बदले बेचना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। निष्काम कर्म क्या है? हीरा। और उसके लिए कोई कामना कर लेना तो कंकर पत्थर चाहना, हीरा देके कोई कंकर खरीदे तो बुद्धिमत्ता नहीं है ना। आप निष्काम भाव से जो करोगे तो भी फल आना ही है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। कोई भी बीज बोया है तो उसमें फल आएगा ही ना, जो भी बीज बोया है आपने तो वो निश्चित ही है। अब उसके बारे में रोजाना टेंशन करना, उसके साथ लगे रहना, उसमें उतावलापन दिखाना, तो वो तो अपनी शक्ति का ह्रास करना है। तो ये हीरे के बदले में कंकर पत्थर को बेचने जैसा है। अतः सकाम भाव का त्याग करके शुभ कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। सकाम भाव जब छोड़ देता है ना व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति 8 घंटे सेवा करता है और उसके बदले में उसकी कामना क्या है कि मुझे 20-30 हजार रुपए मिले। सेवा तो कर रहा है, लेकिन कैसी सेवा है ये? कर्म कैसा है? सकाम, कामना सहित है ये। तो ठीक है, उसको 20-30 हजार रुपए मिल भी जाते हैं, जैसी उसकी कामना थी, जैसा उसने पुरुषार्थ किया, उसको 20-30 हजार रुपए मिल गई। लेकिन जब ये शाम को आता है तो ये व्यक्ति इतना टेंस है, होता है घर में आता है कि क्या ये मेरा पशु जैसा जीवन है। पहले पढ़ते समय ऐसा ही जीवन रहा, अब नौकरी लग गई, अब इनके लिए कमाओ, फिर इतना थकान होती है उसको। फिर उस थकान को हटाने के लिए कभी टीवी देखता है, कभी शराब पीता है, कभी क्लब जाता है, और कभी कोई ऐसी खोज करता है कि कोई ऐसा साधु संत मुझे मिले जो इससे बड़ा सुख मिले।
मिल रहा है ना फल तो, लेकिन इसमें उसको संतुष्टि नहीं है। एक कोई दूसरा व्यक्ति है, वो 8 घंटे सेवा नहीं करता है, केवल 2 घंटे योग सिखाने के लिए जाता है, लेकिन नियमित रूप से जाता है, एक दिन भी मिस नहीं करता है, 2 घंटे सेवा करता है केवल। और किस भाव से करता है कि मैं जो मेरे लिए जी रहा हूँ उसमें से थोड़ा सा समय निकाल करके मैं किसी दूसरे के लिए निष्काम कर्म भी करूँ, तो उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि लोग मेरी प्रशंसा करें या ऐसा कोई भाव नहीं है, केवल से निष्काम भाव से वो सेवा कर रहा है। वहाँ जाता है, 20 लोग आए, 30 आए, 50 आए, जितने आए उनको अच्छी बात बताई, उनको योग सिखाया, प्राणायाम सिखाया, कुछ वेद दर्शन शास्त्र का कोई थोड़ा सा व्याख्यान दिया, उसके बाद आके वो अपना रूटीन कर्म करता है। अब वो निष्काम कर्म करता है 2 घंटे, सकाम कर्म करता है 8 घंटे वही व्यक्ति, लेकिन सकाम कर्म जब तक कर रहा था वो टेंशन में था, अब ये 2 घंटे करने लगा है, और इसको 4, 6, 8 महीने के बाद तो उस इलाके के सब लोग जानने लग जाते हैं, और वो सब लोग इसके प्रति कैसी भावनाएं भेजते हैं, देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, आंधी तूफान बारिश एक दिन भी मिस नहीं करता है, इसका अपना कोई स्वार्थ भी नहीं है, प्रतिदिन 5 बजे यहाँ उपस्थित हो जाता है। फिर उन्हीं लोगों में से कोई उसको फूल मालाएं पहनाता है, कोई किसी दिन माइक लेकर के उसके गुणों का बखान करता है, कोई व्यक्ति उसको कहता है कि माइक हम आपको दे देंगे, कोई कहता है मैटिंग हम दे देंगे, कोई कहता है आप हमारे वहां भी आओ, तो इसका सुयश कितना फैल गया। इसके लिए तो इसने कोई कामना भी नहीं की थी, निष्काम किया था और 2 ही घंटे किया था, और वहां सुख पाने के लिए 8 घंटे काम किया था, तो ज्यादा सुख किसने हुआ, निष्काम में हुआ कि सकाम में हुआ, वो दिखता है स्पष्ट। कोई व्यक्ति अपने घर में 10 कमरे बनाता है, कौन पूछता है, ठीक है भाई तेरे पास पैसे हैं तो 10 क्या 12 बना ले, अपने बनाए हैं तो अपने में रहेगा, कौन प्रशंसा करता है उस व्यक्ति की। और वही व्यक्ति यदि किसी स्कूल में, कॉलेज में, मंदिर में, धर्मशाला में 1 कमरा बनाता है तो उसके नाम का पत्थर लगा देते हैं सदा सदा के लिए, मतलब पीढ़ियां भी आके याद रखें कि ये कमरा किसने बनाया था, फलां व्यक्ति ने बनाया था। और 1 कमरा बनाने के लिए फिर उसको मंच पे बुलाया जाता है, उसको कितना आदर सत्कार सम्मान दिया जाता है कि इस व्यक्ति ने ये कमरा बनाया, और वो जो 12 कमरे 10 कमरे बनाए वो फिर 20-30 साल के बाद जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बोलते हैं कि पापा ये सब तोड़ने पड़ेंगे, ओल्ड फैशन हो गया, तब ये व्यक्ति रोता है कि मैंने कोड़ी कोड़ी कमा करके इतने पुरुषार्थ से ही इतना बड़ा मकान बनाया और आज आप इसको ओल्ड फैशन बता रहे हो, और वहां मैंने 1 कमरा बनाया लेकिन मेरे को वहां कितना सुयश मिला। तो ये सकाम और निष्काम का अंतर हम अपने लौकिक जीवन में भी देख सकते हैं। तो निष्काम कर्म ज्यादा हमें देगा तो फिर कामना क्यों करनी, तो और ये भी कामना नहीं करनी कि भाई कामना करूंगा तो थोड़ा मिलेगा, निष्काम रहूंगा तो ज्यादा मिलेगा, इसलिए निष्काम बनना है, तो ये भी एक कामना हो गई फिर। तो कामना का मतलब है मैं, मेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, जो मिलेगा उसमें मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो किसी और के हाथ में है, तो जो भी वो उचित समझे, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा ज्ञानवान है, वो जो उचित समझे वो दे दे, उसमें मेरा कोई आग्रह नहीं है, तो ये व्यक्ति ज्यादा संतुष्ट रहेगा। इसलिए ये कह रहे हैं कि सांगोपांग विधि से कर्म कर सके, इसके साथ ही ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेश दें कि यज्ञ दान पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कर्मों में फल की इच्छा रखना उचित नहीं है, क्योंकि हीरे को कंकर पत्थरों के बदले बेचना बुद्धिमत्ता नहीं है, अतः सकाम भाव का त्याग करके शुभ कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इस प्रकार सकाम भाव से निष्काम भाव की ओर जाना ये बुद्धि भेद नहीं है बल्कि वास्तविकता है। कोई कहे कि जी ये भी बुद्धि भेद ही है, सकाम से निष्काम की तरफ ले जा रहे हैं, बोले ये तो वास्तविकता है, ये तो एक ट्रैक है, उधर ही जाना है। इसी तरह उपासना के विषय में तत्वज्ञ पुरुष को बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। अब संसार में कितने उपासना के विषय में बुद्धि भेद है, कोई कहते हैं उपासना ऐसे करो, दूसरे कहते हैं ऐसे करो, तीसरे ऐसे करो, तो ये बेचारा क्या हो जाता है,
दिग्मूढ़ जैसे, भ्रमित जैसे हो जाता है कि करूं तो क्या करूं। तो कह रहे हैं उपासना के विषय में भी तत्वज्ञ पुरुष को बुद्धि भेद नहीं पैदा करना चाहिए, जैसे प्राय लोग कह दिया करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं, बोले ये नाम जप करने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जो नाम जप नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, आप नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, पर दूसरा कर रहा है तो उसमें बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए। कम से कम वो इतना तो कर रहा था ना, आप उसको कह के उसको और छुड़वा देते हो। तो ये कह रहे हैं कि प्राय लोग कह देते हैं कि उस समय मन भगवान में नहीं लगा जप करते समय, तो नाम जप करना ही व्यर्थ है। लेकिन तत्वज्ञ पुरुष को ऐसा नहीं कहकर के ये उपदेश देना चाहिए कि नाम जप भी व्यर्थ नहीं होता है, क्योंकि भगवान के प्रति कुछ ना कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है। जो व्यक्ति जाप करता है तो कुछ ना कुछ तो भाव है ही ना उसका, तभी तो करेगा। तो भाव के बिना नाम जप की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग कर देना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर कुछ लोग ऐसे उसके वो बना भी रखे श्लोक भी, माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशी फिरे, ये तो सुमिरन ना ही, ऐसे कहा ना। चलो सुमिरन नहीं है वो, पर जप तो है, वाणी से तो बोल रहा है ना, कम से कम तो शब्द तो अच्छा बोल रहा है ना। धीरे धीरे ये उपदेश तो दो कि मन भी लगाओ, तजपस तदर्थ भावनम, उसके आगे बढ़ाएं ये तो ठीक है, पर उस जप का ही खंडन कर दें तो वो उसको और छोड़ देगा। तो एक स्टेप पे खड़ा है तो दूसरी वाली पे लेके जाए तत्वज्ञ पुरुष उसको, इसके साथ साथ भावना भी और करो, ऐसे होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ गुण होते ही हैं। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुष को चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी उन्नति के लिए कोई शिक्षा देनी हो, कोई बात समझानी हो, तो उस व्यक्ति की निंदा या अपमान करके, या उसके गुणों अपमान करके नहीं, बल्कि उसके गुणों की प्रशंसा करके उसको आगे बढ़ाए। आप जो कर रहे हैं अपनी समझ के अनुसार अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करेंगे तो आपको और ज्यादा लाभ होगा, तो वो आगे बढ़ेगा। गुणों की प्रशंसा करते हुए आदर पूर्वक उसे जो शिक्षा दी जाएगी, उस शिक्षा का उस पर विशेष असर पड़ेगा, और समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों को इस रीति से दूसरों को शिक्षा जरूर देनी चाहिए। तो अब इसमें दो शब्दों के ऊपर ये ज्यादा बल दे रहे हैं, समाचरण और जोशयेत, दो शब्द आए ना श्लोक में। वैसा करता हुआ, समाचरण मतलब वैसा आचरण करता हुआ, जोशयेत उस दूसरे को भी उसमें लगाए, संयुक्त करे। खुद नहीं करता है तो व्यक्ति कभी भी दूसरे को संयुक्त नहीं कर सकता है, इसलिए पहले बड़े व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, समाचरण, पहले खुद वैसा आचरण करना पड़ेगा। और स्वामी जी कभी भी योग ना करें खुद, और केवल योग का वो भाषण भाषण दें मंच से कि अभी उष्ट्रासन करो, चलो अभी ताड़ासन करो, तो ये नीचे वाले कैसा करेंगे फिर, अभी तो करते करते ही उल्टा पलटा करते हैं, और बिल्कुल ना करें तो वो भी ऐसे निहाल करेंगे फिर। तो ये व्यक्ति करते हुए कुछ करवा सकता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जब मैं 16 आने नाच नाचता हूं तो दूसरे लोग 2 आने फॉलो करते हैं उसको, मतलब जब मैं 16 आने माने पूर्ण वैसा आचरण करता हूं तो दूसरे लोग उसमें से कितना मेरा अनुसरण करते हैं, 2%, उतना भी काफी है, क्योंकि मैं उनके लिए नहीं कर रहा ना, वो ले रहे हैं मेरे माध्यम से। समाचरण और जोशियत पदों से भगवान विद्वान को 2 आज्ञाएं देते हैं, स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह करें, खुद अच्छी तरह से करें, और कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को भी वैसे ही कर्म करवाएं, जो शयित माने उनसे भी करवाएं, ये उसका काम है। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना ये दंभ है और पतन करने वाली आसुरी संपत्ति का लक्षण है। कभी कभी बड़े लोग क्या करते हैं, दिखाने के लिए कर्म करते हैं, दंभ। एक दिन झाड़ू उठा ली हाथ में, किसी बड़े बड़े पदाधिकारी भी लगे हैं सफाई अभियान में, और उसके बाद मतलब वो तो फोटो खिंचाने के लिए था, केवल न्यूज में देने के लिए, बाकी फिर दूसरों को कह दिया, बोले अब तुम करो,
तो दूसरे लोग भी अपने फोटो खींचा के वो भी अपने चले गए, उनको पता लगा बोले ये तो फोटो खिंचाने के लिए होता है, खुद तो किया नहीं ना। तो कभी कभी व्यक्ति दंभ के लिए भी, दिखावे के लिए कुछ कर्म करता है, तो उसका फिर किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। परिवर्तन तो तभी आएगा जब वो 100% जिएगा। तो ये कह रहे हैं भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं। यहाँ कृष्ण दिखाने के लिए नहीं कह रहे, ईश्वर दिखता है क्या इतना सब कर्म करके? नहीं दिखता है ना। ईश्वर कभी लाउड स्पीकर लगा के बोलता है कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया कि सारी धरती के अंधकार को मैंने सूरज उगाया, पहले सूरज बनाया फिर उगाया फिर मैंने सारे अंधकार को समाप्त किया, ऐसे बोलता है कभी? क्योंकि उसने अपनी प्रसिद्धि के लिए ये काम नहीं किया सूर्योदय का, बल्कि लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह माने लोक कल्याण के लिए। तो ऐसे ही ज्ञानी पुरुष करते हैं कर्म, वो दिखाने के लिए दंभ के लिए नहीं करते हैं। तो ये कह रहे हैं तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी समस्त कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से करे। उसको करने की आवश्यकता नहीं थी फिर भी सुचारू रूप से करता है। ये भी एक बड़ा अच्छा शब्द है, सुव्यवस्थित। योगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? सुव्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित नहीं होता है। और जो अव्यवस्थित बाहर से है, जिसके कर्म, जिनके पदार्थ, जिनका आचरण बाहर से अव्यवस्थित है, वो निश्चित रूप से अंदर से अव्यवस्थित है, वो योगी हो ही नहीं सकता है। जितने भी योगी हैं या हुए हैं उनका जीवन आप देखेंगे तो वो एकांत में रहते हुए भी बहुत सुव्यवस्थित रहे हैं। तो जिससे कर्मों में आसक्त पुरुषों की निष्काम कर्मों के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो और वो भी निष्काम भाव से कर्म करने लगे, तात्पर्य ये है कि उस महापुरुष के आसक्ति रहित आचरण को देख करके अन्य पुरुष भी वैसा आचरण करने की चेष्टा करने लगे, तो ये निष्काम कर्म में लाना है उनको। तो इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त पुरुष को आदर पूर्वक समझा कर उनसे निषिद्ध कर्मों का त्याग करवाए सर्वथा, और विहित कर्मों से माने सकाम भाव का त्याग करके उनको निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा दे। ऐसा ये ज्ञानी पुरुषों का कर्तव्य है। जहां भी हम खड़े हैं वहां से उसको आगे ले जाए। क्या बात है, आज तो ज्यादातर भाई बहनों को नींद आ रही है, या तो ज्यादा ही आपका चित्त तादात्म हो गया, निष्काम भाव में चले गई समाधि की अवस्था में, कुछ जिधर भी देखती हूँ ऐसे ऐसे आंखें कर रहा है। तो फिर कल पढ़ेंगे, आज का समय हो गया। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, आप इसको याद कर लेना। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन। खुद वैसा आचरण करते हुए दूसरों से भी वैसा आचरण करवाए, ये इनका दायित्व है। नहीं तो ये लगता है ना भी हमारा तो कोई दायित्व नहीं है, तो सबसे बड़ा दायित्व है। खुद को कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी कर रहा है, और केवल खुद कर रहा है, बोले हमें दूसरों से क्या लेना देना? बोले नहीं ये भी ठीक नहीं, दूसरों से भी करवाए, ये इसी का दायित्व है। तो आज यहीं इसको विराम देते हैं पाठ को। ओ शांति 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 ही, श्री गुरुभ्यो नमः।